नमस्कार दोस्तों आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है साथियों वेरी गुड इवनिंग सभी को राधे राधे मेरी ओर से और उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी रण की तैयारी के लिए रणनीति को प्रिपेयर कर रहे होंगे बिल्कुल साथियों रण में उतरने से पहले जरूरी होता है अपनी रणनीति को बनाना और वह रणनीति आप लोगों ने बना ली होगी और उस पर काम करना आपने शुरू कर दिया होगा क्योंकि जब मैं भी रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं इसका मतलब मेरी भी रणनीति तैयार है कि मुझे कौन सा अध्याय कैसे और किस प्रकार से पढ़ाना है तो साथियों अभी तक आपने और हमने मिलकर रसायन विज्ञान का सुपड़ा साफ कर डाला मतलब रसायन विज्ञान के तीन अध्याय पहला दूसरा और तीसरा तीनों की छुट्टी कर डाली और अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान साथियों जीवों से संबंधित विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान कहलाती है जहां पर हम जीवों से संबंधित कई सारी चीजों पर अध्ययन करते हैं उन्हीं में से एक अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैव प्रक्रम साथियों जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जीव विज्ञान शानदार अध्याय और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय क्योंकि अंक भार ज्यादा है अरे जिसका वेटेज ज्यादा होता है जिस अध्याय का वेटेज ज्यादा होता है अंक भार ज्यादा होता है उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है तो आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम पर बिल्कुल साथियों जैव प्रक्रम पर हम बात करेंगे उससे पहले यह बता दू मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में बिल्कुल साथियों मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो करके देख तू जरा हिम्मत तो करके देख ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो करके देख इसका मतलब साथियों सिर्फ कोशिश करने की देर है हिम्मत करने की देर है कि कोशिश कर ली मतलब सफलता जरूर मिलेगी बिल्कुल साथियों सफलता जरूर मिलेगी और शुरू करता हूं मैं जैव प्रक्रम जल्दी से आ जाइए साथियों जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम का मतलब होता है साथियों लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस जैव अर्थात होता है दोस्तों जीव जीवित या सजीव इसका मतलब हम सजीव पर बात करने वाले सजीव और निर्जीव दो चीजें होती है सजीव जो सभी प्रकार की क्रियाएं करते हैं सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं कहते हैं सजीव तो दूसरी तरफ निर्जीव जो किसी भी प्रकार की कोई भी क्रियाकलाप नहीं करते उसे कहा जाता है निर्जीव तो आपने देखा दोस्तों जैव अर्थात मैं बात करूंगा जीवों की और प्रक्रम मतलब होता है जीवों में होने वाली क्रियाएं तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या हो गया जीवों में होने वाली क्रियाएं दोस्तों जीवों में होने वाली क्रियाएं बिल्कुल सही सुना आपने जीवों में होने वाली क्रियाएं जो है उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम बिल्कुल साथियों जीवों में सम्मिलित तो समस्त क्रियाएं उन्हें हम क्या कहते हैं जैव प्रक्रम जो हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है वे समस्त प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में संचालित होती है हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है अनुरक्षण का कार्य करती है उसे कहा जाता है जैव प्रक्रम बिल्कुल साथियों अब जैव प्रक्रम में आप इस अध्याय में जो छठा अध्याय हम पढ़ रहे जैव प्रक्रम उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों पोषण पर सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा पोषण पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों उसी प्रकार हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर श्वसन बिल्कुल श्वसन की प्रक्रिया भी पढ़ने वाले और हृदय वहन, वहन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, क्या, क्या होता है दोस्तों वो भी हम पढ़ने वाले और साथ ही हम उत्सर्जन मतलब शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन चार चीजों पर हम बात करने वाले साथियों चार चीजों पर फटाफट से जुड़ते जाइए शुरू हो जाइए जितना जोड़ सके जोड़िए क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय अध्या तो -फट सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे हमारा लिंक और बता दो जैव प्रक्रम शुरू हो चुका है चलिए साथियों जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक शुरू करता है और पहला टॉपिक कौन सा है दोस्तों पोषण पोषण किसे कहते हैं पोषण का मतलब होता है भोजन के अंतः ग्रहण की प्रक्रिया साथियों भोजन के अंतः ग्रहण की प्रक्रिया मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन को भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है इसका मतलब परिभाषा क्या लिखोगे परिभाषा क्या लिखोगे सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना व भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों की मरम्मत शरीर के अंगों की मरम्मत व अनुरक्षण करना बिल्कुल साथियों अनुरक्षण का कार्य करना उसे कहा जाता है पोषण बिल्कुल पोषण किसे कहेंगे अपन ने बात कर ली पोषण क्या होता है दोस्तों तो पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है उसे कहा जाता है साथियों पोषण बिल्कुल सही सुन रहे आप पोषण दो प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं साथियों पोषण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं इसमें कोई दोहराने की बात नहीं पोषण के दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार होता है दोस्तों स्वपोषण पहला प्रकार होता है स्वपोषण दूसरा प्रकार होता है विषम पोषण साथियों स्वपोषण क्या होता है और विषम पोषण क्या होता है स्वपोषण और विषम पोषण का अंतर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होता है साथियों स्वपोषण की बात करूं साथियों स्वपोषण की बात करूं मैं अंत में बताऊंगा अंक भार भी बताऊंगा एक एक प्रश्न भी बताने वाला हूं चिंता मत कीजिए पहले टॉपिक पढ़िए हम चैप्टर का पूरा सार लेकर आएंगे मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न मॉडल पेपर में आए क्या है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे अभी तो हमें स्वपोषण साथियों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो अपना भोजन साथियों स्वयं बनाते हैं उसे कहा जाता है स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहेंगे स्वपोषण

तो पोषण के कितने प्रकार है दो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस चैप्टर में में से अंतर भी पूछा जा रहा है मॉडल पेपर प्रश्न था और अवायव्य श्वसन में क्या अंतर है मतलब एक प्रश्न अंतर वाला पूछा जा रहा है बिल्कुल साथियों एक प्रश्न अंतर वाला पूछा जा रहा है इसका मतलब यह हो गई यहां पर बात कि स्वपोषी और विषम पोषण तो साथियों स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल या CO2 में संश्लेषित किया जा सकता है और यहां पर विषम पोषी में भोजन को प्रत्यक्ष परत्यक या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है बिल्कुल साथियों स्वपोषी जो हम कह रहे, रहे CO2 और जल जैसे, जल जैसे कच्चे माल कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं स्वयंपोषी और विषमपोषी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं साथियों क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है क्यों क्योंकि स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है और यह प्रक्रिया केवल पेड़ पौधों में होती है इसीलिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल जरूरी है क्योंकि स्वपोषी पोषण जो है स्वपोषी पोषण जो है वो प्रक्रिया कहा होती है कहा होती है दोस्तों केवल और केवल पेड़ पौधों में उसी प्रकार विषम पोषण की बात करूं तो क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती विषम पोषी पोषण की बात कोई नहीं होती है। सामान्यतः भोजन का निर्माण स्वपोषी पोषण में स्वप पोषण में भोजन, दिन में बनता, है। भोजन दिन में बनता है जबकि विषम पोषी पोषण में भोजन कभी भी बनाया जा सकता है कभी भी ग्रहण किया जा सकता है क्लियर हो गई बात यहां पर उसी प्रकार दोस्तों सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषण होता है जबकि विषम पोषण जो है वो जीवो में तथा कवक में यह पोषण होता है ये भी अपन ने कहा किस किस में होता है तो बिल्कुल आसान स्वपोशी विषम पोषी में हो सकता है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं साथियों लीजिए प्रश्न आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दो करिए इसका स्वागत और स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है साथियों ये लीजिए यहां पर जो प्रश्न है स्वपोषी विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है कब पूछा 2015 लिख सकते हो ना स्वपोषी मतलब खुद बनाया विषम पोषी और निर्भर स्वपोषी दिन में बना विषम पोषी अरे कभी भी बनाओ दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लियर हो गई क्लोरोफिल की आवश्यकता है स्वपोषी में क्लोरोफिल चाहिए विषम पोषी में नहीं चाहिए स्वपोषी के उदाहरण हरे पेड़ पौधे बिल्कुल सही सुन रहे हो विषम पोषी की बात करूं तो कोई भी जीव हो सकता है दोस्तों यहां पर जो अन्य बच गए जैसे मनुष्य विषम पोषी पोषण है क्लियर हो गई बात यहां पर तो स्वपोषी और विषम पोषी दोनों में क्या अपन पोषण का पहला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोषण की बात कर रहा हूं और का पहला मतलब की को समझने, वाले। की को समझने वाले दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है बहुत आनंद आने वाला है बड़ा मजा आएगा तो साथियों अपने विद्यार्थियों तक यह सूचनाएं जरूर पहुंचाए

प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे व व व जल 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 की 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 सहायता 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 से 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 क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं जिसमें ऊर्जा संचित होती है बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों ऊर्जा संचित होती है पहली बात लिखी प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब जब सूर्य होता है जब सनलाइट आती है सनलाइट आती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया H2O की सहायता से क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में याद रखना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनेगा यह बात क्लियर कर लेना और भोजन कहा बनेगा क्लोरोफिल में बनेगा वहां पर भोजन बनने की प्रक्रिया होती है क्लियर हो गई बात यहां पर क्लोरोफिल में भोजन बनने की प्रक्रिया होती है अपन ने कह दिया अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण साथियों सिंपल सी बात है आप पेड़ पौधों को क्या देते हैं आप पेड़ पौधों को देते हैं पानी बिल्कुल सही सुन रहे पानी देते हैं और वायुमंडल से पेड़ क्या लेते हैं CO2 क्या लेते हैं CO2 वायुमंडल से CO2 आप यहां पर पेड़ पौधों को पानी दिया तो CO2 और H2O दोनों मिल गए बिल्कुल साथियों CO2 और H2O दोनों मिल गए CO2 H2O दोनों मिल गए CO2 H2O दोनों, दोनों मिल गए बना क्या ग्लूकोज बना क्या ग्लूकोज ग्लूकोज बना पहली बात दूसरी बात है साथियों पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस लेते तो CO2 है लेते तो CO2 है छोड़ते कौन सी है ऑक्सीजन तो पेड़ ग्लूकोज, ऑक्सीजन छोड़ा और साथ में दोस्तों, वास्प उत्षर्ण, वास्प उत्षर्ण, वास्प उत्षर्ण जो है दोस्तों की प्रक्रिया में, तो छोड़ा, छोड़ा, में और ग्लूकोज का निर्माण किया क्या चीजें थी पेड़ पौधों ने सीओ और एच तो ये सीओ और एच ये लीजिए रिएक्शन आपके सामने सीओ टू यहां पर छह लिखा यहां पर बारह लिखा यहां पर छह और यहां पर छह बिल्कुल साथियों छह बारह छ छ बिल्कुल छह बारह छ छ क्लियर कर लीजिए इस दोस्तों यहां पर हमने कहा सीओ टू पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हम क्या दे रहे हैं दोस्तों जल दे रहे हैं ये वायुमंडल से ले ली पानी हमने दे दिया क्लोरोफिल में प्रक्रिया हुई सूर्य का प्रकाश बड़ा जरूरी है ग्लूकोज बन चुका है साथ में ऑक्सीजन गैस जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं और वो हम लेते हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों और यहां पर साथ में जल वाष्प के रूप में जल की बूंदों को पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं यह है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वापस बता रहे वायुमंडल से सीओ हमने पौधों को पानी डाला बिल्कुल साथियों और दोनों मिले क्लोरोफिल में प्रक्रिया हुई सूर्य का प्रकाश बड़ा जरूरी है और ग्लूकोज बनाया उन्होंने अपना खाना बना दिया अब क्या क्या निकाला जो पेड़ पौधों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था जैसे उदाहरण के लिए उनके लिए जल जल इंपॉर्टेंट नहीं था अतिरिक्त जल निकाल दिया उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या निकाला साथियों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिल्कुल पेड़ पौधे छोड़ते और वही हम लेते हैं ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण उम्मीद है सबको याद हो गया होगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों में बन सकता है क्योंकि इस पार्ट से एमसी आता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों एम की पे बन सकता है दो नंबर के प्रश्न के रूप में भी बन सकता है क्लियर हो गई बात तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है जल्दी दीजिए बिल्कुल आप जो पढ़ाते हैं वो याद हो जाता है बिल्कुल सही बात है मेरी क्लास में में यही यही का यही याद करो बाद में समय कहा। समय साथियों अभी समय कहा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की समय आवश्यकता है तो आपके पास समय भी कम है विद्यालय भी जाना होता है फिर क्लास भी देखनी होती है फिर खुद भी पढ़ना होता है तो आपके पास समय बहुत कम है इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रतिशत पढ़ाऊ पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाओ जिससे आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए इसीलिए कहता हूं जोड़ना ना भूले ताकि उनका भी भला हो जाए चलिए साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी कच्ची सामग्री थी साथियों तो वो चार कच्ची सामग्री जिसमें देखो सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी है क्लोरोफिल है साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड है जल है और साथ ही दोस्तों दोस यहां पर मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण होते हैं मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं क्योंकि मिट्टी में अलग अलग प्रकार के लवण पाए जाते हैं ये आपको पता है क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं ये भी आपको पता है ना कि आसमान में इतना तो हमको भी पता है तो मिट्टी में उगता मतलब है खनिज लवन एक जल दो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश कच्ची सामग्री बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल यह आपका लल्लन टॉप प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से अब आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आवश्यक जो कच्ची सामग्रिया है वो पौधा कहा से प्राप्त करता है साथियों कच्ची सामग्रिया कहा से प्राप्त करता है वो देखिए हमारे पास समय कम है मैं जल्दबाजी में फटाफट से अध्याय पूरा पढ़ना है थोड़ा इस बात का का विशेष ख्याल हो सकता है विद्यार्थियों की बहुत सारी होगी वो समस्याओं समाधान नहीं कर सकते हम सारी समस्याओं का अपने स्तर पर भी प्रयास करें पर कोशिश है बड़े महत्वपूर्ण सारे टॉपिक ले आऊंगा ताकि जैव जीव विज्ञान का सुपड़ा साफ हो जाए बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा हमने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है पौधा कहां से प्राप्त करता है जरा ध्यान रहा है? साथियों बिल्कुल पौध, जड़े, जड़े उन्हीं जड़ों से पानी को अवशोषित करने का काम मतलब ये पौधा करता है। तो पौधा जो है जल प्राप्त कर रहा है, पौधा जल प्राप्त कर रहा है जड़ों से पौधा जल प्राप्त कर रहा है जड़ों से पहली बात दूसरी बात है दोस्तों

वायुमंडल में, में जो सीओ टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंटेज तो वो जो है रंध्रों के द्वारा किसके द्वारा रंध्रों के द्वारा रंध्रों के द्वारा, द्वारा साथियों रंध्रों के द्वारा जो है वो सीओ टू प्राप्त कर रहे तीसरा है दोस्तों क्लोरोफिल तीसरा है क्लोरोफिल क्लोरोफिल की बात कर रहा हूं साथियों क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है बिल्कुल जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो हरे पत्ते होते हैं जो पेड़ पौधों के हरे पत्तियां होती है है उन्हीं हरी पत्तियों में पाया जाता क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और उनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल और उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश जो हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है चारों चीजें कहां कहां से प्राप्त होती है बता दी सीओ जल सूर्य का प्रकाश और ये सब कुछ साथियों परीक्षा में हजारों बार मतलब यू समझ लीजिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह प्रश्न नहीं छपा बिल्कुल शानदार प्रश्न जबरदस्त प्रश्न आपका लल्लन टॉप प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर यह नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा इस अध्याय में अगर प्रश्न नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं सबसे पहले यह होता है दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना पहली बात क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना बिल्कुल उसको ग्रहण करना फिर प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलना बिल्कुल साथियों पहली बात क्या बताई देखो याद कैसे करोगे क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है बिल्कुल करने दीजिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को लेना फिर उसी प्रकाश ऊर्जा को बदलना किसमें रासायनिक ऊर्जा में तो पहले ग्रहण करना और फिर बदलना पहले ग्रहण करना और फिर बदलना साथियों आ जाओ इधर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया फिर उसके बाद जो आपने पानी दिया जरा उस पानी का सूत्र क्या है ये देखिए ये पानी का सूत्र है H2O अब यहां पर करवा दिया ब्रेकअप बिल्कुल साथियों सही सुन रहे क्या करवाया ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप मतलब gotten, मतलब यहां पर क्या होगा अलग मतलब जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाना विघटित हो जाना मतलब टूट जाना हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीजन का अलग होना तो इसका मतलब यह हो गया जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना और साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू का कार्बोहाइड्रेट बदलना CO2 टू का कार्बोहाइड्रेट में बदलना CO2 टू का कार्बोहाइड्रेट में बदलना उसे कहा गया यहां पर क्या यह है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटना एक बार फिर से याद कराऊंगा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ले रहा है बिल्कुल प्रकाश ऊर्जा को लिया इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदला जल का विघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड का, का कार्बोहाइड्रेट में बदल जाना बिल्कुल सही चारों बिंदु याद हमें केवल दो लिखने हैं तीन लिखने हैं कहीं कहीं पर पूरे लिखने ये लीजिए प्रश्न दोस्तों और इसकी भी छुट्टी कर दो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 को कह दो हमें सर ने सब कुछ पढ़ा दिया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली कोई दो घटनाएं साथियों कोई भी दो घटनाएं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बदलना अगर आप ये लिखते हो सीओ का कार्बोहाइड्रेट बदलना कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है साथियों कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लिख रहे हो तो पहली बात अगर आप ये लिखते हो जल का विघटन तो भी ठीक का का अलग और o का अलग और कहा दिक्कत आ रही अरे जो मर्जी आए वो कर लीजिए दोस्तों कोई आपत्ति नहीं 2014 को कर दीजिए विदा चलते हैं अगले प्रश्न पर और मैंने कहा था धांसू प्रश्न आने वाला है और वो है दोस्तों रंध्र किसे कहते हैं अभी हम रंध्र पर चर्चा कर रहे थे अभी हम रंध्रो पर चर्चा कर रहे थे बिल्कुल मजा आएगा जरूर आएगा रंध्र किसे कहते हैं पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है बिल्कुल साथियों पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है बड़ी सॉफ्ट होती है बड़ी लचीली होती है तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है बिल्कुल साथियों उन्हीं पत्तियों की सतह पर उन्हीं पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बिल्कुल साथियों पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं रंध्र बिल्कुल साथियों पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है उन पतियों पर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं और छोटे छोटे छिद्रों को क्या उन्हें दो एक होता है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बात है ये डायग्राम आ सकता है क्या बिल्कुल आ सकता है तो खुला रंध्र होता बंद रंध्र जो बंद होता होता हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है

दोस्तों एक पत्ती का जिसमें अपन ने कहा था एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए साथियों नामांकित चित्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं आपको महत्वपूर्ण डायग्राम भी बता रहा हूं बिल्कुल ठीक दोस्तों तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जरूर नोट कर लेना परीक्षा में छप सकता है जिसके अंदर आपको सब कुछ बताना है फ्लोएम जाइलम मध्य सिरा पर्णपटल पटल सीरा और एकदम बढ़िया तरीके से इस डायग्राम का आपको अभ्यास करना है क्योंकि 2016 में पूछा प्रश्न है दोस्तों रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रखता है बिल्कुल साथियों रिपीट होने के चांस रखता है बात करूंगा विषम पोषी पोषण विषम पोषी पोषण में जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है खुद नहीं बनाते हैं बिल्कुल साथियों जो जीव अपने भोजन को खुद नहीं बना सकते दूसरों पर निर्भर है उन्हें कहा जाता है विषम पोषण उन्हें कहा जाता है विषम पोषण अब आपने कहा प्राणी प्राणी संपोषण आपने कहा मृत जीवी पोषण आपने कहा परजीवी पोषण कितने प्रकार हो गए तीन प्रकार कितने प्रकार तीन प्रकार जरा ध्यान दीजिएगा प्राणी संपोषण भोजन के अंत ग्रहण के बाद पाचन की प्रक्रिया मतलब भोजन को ग्रहण करने के बाद पचने की प्रक्रिया भोजन को ग्रहण करने के बाद पचने की प्रक्रिया प्राणी संपोषण हो गया बिल्कुल साथियों प्राणी संपोषण किसे कहेंगे हमने कहा भोजन के अंत ग्रहण के बाद पाचन की प्रक्रिया उसी प्रकार मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं उसी प्रकार मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं मृत जीवी का मतलब है ये जीव अपना भोजन मृत जीवी अर्थात सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं बिल्कुल सही सुन रहे मृत जीवी का मतलब होता है जो जीव अपने भोजन को मरे हुए जीवों से मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं मृत पोषण नंबर तीन जिसे कहते हैं वो है परजीवी पोषण नंबर तीन जिसे कहते हैं वो है दोस्तों परजीवी पोषण और वो है अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनका उद्देश्य मारना नहीं होता है ये मार कर अपना भोजन नहीं करते जैसे सर में रेंगने वाली जू बिल्कुल साथियों सर में रेंगने वाली जो जू होती है उसका उद्देश्य मारना नहीं होता है पर भोजन जो है वो उसी प्रकार से प्राप्त करती है तो जू या जो किसी का उदाहरण है यह आपने देखा फिर मैं बात करता हूं दोस्तों अमीबा में भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है हम बात करेंगे अमीबा में साथियों अमीबा एक कोशी के जीव है याद रखना दोस्तों अमीबा जो है वह एक कोशी के जीव है ध्यान दीजिएगा अमीबा जो है वह एक कोशी जीव है अमीबा जो है साथियों वह एक कोशी जीव है पहली बात तो ये अमीबा एक कोशी के जीव है नंबर एक नंबर एक अमीबा एक कोशी के जीव है अमीबा जल में रहता है जलीय जीव है बिल्कुल ठीक दोस्तों तो हमने कहा अमीबा जो है वह एक कोशी प्राणी संपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है प्रोटोसोवा संघ का सदस्य है इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता इसीलिए लिखा है अनिश्चित आकार का होता है जो नदी तालाब या झीलों में पाया जाता है पहले ही कह दिया अमीबा एक कोशिक जीव है प्राणी समभोजी पोषण है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है एक ही कोशिका से मिलकर शरीर बना है वे जीव दोस्तों जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उन्हें कहते हैं एक कोशिक वे जीव जिनका शरीर बहुत

जल में पाया जाता है बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमीबा जल में पाया जाता है इसके अंदर मध्य में केंद्रक होता है बिल्कुल साथियों केंद्रक होता है अब जैसे ही अमीबा पानी में खाने के टुकड़े को देखती है उसके चारों ओर एक घेरा बना लेता है अमीबा जो है जैसे ही खाने के टुकड़े को जैसे खाने का टुकड़ा है है तो उसके चारों जो वो एक घेरा बना देगी अमीबा जो है वो उसके चारों चारों और अमीबा भोजन के टुकड़े जैसे मान लो बिल्कुल को ग्रहण करता है तो यह खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन होकर सरल पदार्थ में विभाजित तो हो जाता है रिक्तिका में भोजन को ग्रहण कर लिया गया रिक्तिका में गया खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी जिसको कहते खाद्य धानी इसे कहा जाता है तो आपने देखा ये अमीबा था बिल्कुल सही है आप इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो यहां पर यह मान लो अमीबा है ये भोजन का टुकड़ा है देखते ही चारों ओर घेरा बनाया जाएगा बिल्कुल साथियों देखते ही चारों ओर क्या बनाया जाएगा घेरा यह घेरा बना और फिर इसको अंदर की ओर ग्रहण कर लिया फिर उसको सरल भागों में विघटित करेगा जटिल कण को जटिल कण को सरल कण में बदलना यह सारा काम क्योंकि अमीबा एक कोशी के जीव है तो एक ही कोशिका के माध्यम से सारा काम हो रहा है बिल्कुल साथियों अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं हमें चित्र बनाना सिखाइए वो संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास रिवीजन का समय शॉर्ट है एक डायग्राम को 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर पैनल पे आपको बनाते हुए समझाऊ तो तो इतना संभव नहीं है तो मेरे सभी साथियों से आग्रह है कि आप अभ्यास करें जो जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ठीक जो जो डायग्राम बताता हूं उसका अभ्यास कीजिए आप मेरी बात समझ गए होंगे 45 मिनट की क्लास में पूरा सब कुछ सुपड़ा साफ करना असंभव होता है फिर भी नॉन स्टॉप प्रयास कर रहा हूं आपके लिए चलिए दोस्तों अमीबा में यहां पर बात कर ली अब बात करता हूं पैरामीशियम में पोषण साथियों पैरामीशियम भी एक कोशी के जीव है पैरामीशियम भी एक कोशी के जीव है यह अपन ने कह दिया उसमें क्या होता है दोस्तों ये भी जो है कोशिका की पूरी सतह से ढका होता है क्ष जो है वो पूरी तरीके से ढक चुका है और उसके बाद भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है बिल्कुल भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है ये भी मैंने यहां पर बता दिया आपको तो जैसे अमीबा में प्रक्रिया होती है वैसे की वैसी प्रक्रिया किसमें होती है दोस्तों वैसे की वैसी, वैसी प्रक्रिया पैरामीशियम में भी होती है चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर प्रश्न क्या कहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दो का प्रश्न क्या कहता है साथियों दो हजार तेरह में तेरह चौदह पंद्रह सोलह पे टारगेट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों तो क्योंकि तेरह चौदह पंद्रह सोलह उस समय एनसीआर बुक थी सत्रह अठारह उन्नीस नहीं थी इसीलिए उसी बुक सोलह उस में एनसीआरटी बुक चल रही थी राजस्थान में और इसी आधार पे मैं इन्हीं प्रश्नों को ज्यादा दे रहा हूं यह भी ध्यान रखना चलिए साथियों ने कहा भोजन क्या है भोजन का मतलब होता है दोस्तों जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों बदलना जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया भोजन कहलाती है और अमीबा में पोषण की है। जो अभी अपन बात है। एक के जीव जल में रहता है भोजन के चारों में कैसे पोषण होता है मनुष्य में भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है जल्दी से आ जाइए मेरे साथ दोस्तों फटाफट से पहली चीज होती है भोजन को ग्रहण करना मतलब भोजन को ग्रहण करना जिसे कहेंगे अंत ग्रहण पहला टॉपिक भोजन को अंत ग्रहण करना भोजन को अंत ग्रहण करना यह पहली बात है क्लियर हो गई बात यहां पर हमने कहा भोजन को अंत ग्रहण करना दूसरा भोजन का पाचन दूसरा भोजन का पाचन दूसरा भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। नंबर दो तीसरी बात है दोस्तों अवशोषण तीसरी बात है अवशोषण भोजन का अवशोषण करना और चौथा स्टेप होता है स्वांगीकरण और पांचवा स्टेप होता है बहिष्क्षेपण जिसमें बाहर निकालना स्वांगीकरण का मतलब होता है रस का मिलना पाचक एंजाइम की भूमिका स्वांगीकरण का मतलब हो गया जो पाचक एंजाइम होते हैं जैसे अग्निया से और यहां पर लीवर की बात की जा रही है तो पाचक एंजाइमों की बहिष्पण का मतलब होता है बाहर निकालना पदार्थों को अवशोषण जो कि छोटी आत जो है छोटी हाथ की भूमिका की बात कर रहा है पाचन जो पचाने का, का काम कर रहा है अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करने की तो मनुष्य में पोषण के ये सारे तरीके मनुष्य में पोषण के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए है दोस्तों कैसे किस प्रकार से होता है एक एक पर बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों पाचन तंत्र किसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं एक ही सिंपल सी लाइन है दोस्तों भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का भोजन के जटिल भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का एंजाइम या पाचक रस एंजाइम या पाचक रस एंजाइम एंजाइम या या पाचक या पा, पाचक रस, रस की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाना सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाना मतलब भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी दोस्तों भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ का एंजाइम या पाचक रस की सहायता से एंजाइम या पाचक रस की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना वही कहलाता है दोस्तों पाचन तंत्र पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है साथियों पाचन तंत्र को पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है पहला है दोस्तों आहार आहार नाल नाल बिल्कुल साथियों सबसे लंबा भाग होता है और दूसरा भाग होता है दोस्तों पाचन ग्रंथिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये याद कर लिया ये याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की यह बात ध्यान में रखना साथियों हमने कह दिया है दोस्तों आहार नाल पहली

बनाने में यहां पर समय नहीं लगेगा पर इसमें समय जायज निकल जाएगा दोस्तों चलिए साथियों मैं बता दूं मनुष्य में पाचन क्रिया ये इस प्रकार का डायग्राम है सबसे पहले यहां पर ऊपर का भाग जो होता है मुख रहेगा मुख में मुख गुहा ग्रसिका जीवा दांत ये सब यहां पर आएगा फिर यहां पर ग्रसिका से भोजन जाएगा आपके आमाशय के अंदर बिल्कुल आमाशय में जाएगा आमाशय आमाशय से फिर छोटी आत उससे पहले तो ये पूरी प्रक्रिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों इसको जरूर पढ़ना है शुरुआत करते

कृतंक रदनक चवणक चवनक, चवनक, कृतंक रदनक अग्र चवणक चवनक। दो यहाँ पर अपन ने कहा जीभ स्वाद का कार्य करती है, 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 का है। जबड़ा ये कठोर मांसपेशियों का बना होता है जिसमें दांत होते हैं बिल्कुल सही दांत होते हैं जिसमें उसकी बात कर रहे हैं यहां पर तो ये तीनों चीजें क्लियर कर ली दांत पे अपन ने बात कर ली अस्थायी दांत दूध के दांत संख्या कितनी है बीस ये दांत

चूहे की तरह कुतरने का काम करता है साथियों चूहे की तरह कतर 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 कतर, कतर कुतरने का, का काम जो है वो कृतंक करता है अगर मैं रदनक की बात करूं तो साथियों चीरने फाड़ने का काम करता है शेरों में और या जो मांसाहारी जीव होते हैं मांसाहारी जीवों में रदनक दांत मजबूत होते हैं क्योंकि चीरने और फाड़ने के काम आने वाले अगर कोई दांत है तो वो है रदनक बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों चीरने और फाड़ने चीरने और फाड़ने का अगर कोई काम करता है, तो वो रदनक करता है उसी प्रकार अग्र की बात करूं उसी प्रकार अग्र और चवनक भोजन को चबाने का काम करते हैं चवनक और अग्र भोजन को चबाने का काम करते हैं तो कुतरने का काम कृतंक चीरने फाड़ने का काम रदनक अग्र चवनक चवनक क्या होगा दोस्तों चबाने का काम ये दांतों के प्रकार पढ़ लिए बात करता हूं ग्रसनी ग्रसनी दोस्तों पीछे का हिस्सा जो गले का पीछे का हिस्सा यहां पर जो रहेगा वो क्या रहेगा ग्रसनी तीन प्रकार की मुख्य ग्रसनी जिससे भोजन जाता है बिल्कुल सही सुन रहे हैं भोजन जाता है तो नासा ग्रसनी पर एक कपाट लग जाता है उसी प्रकार नासा ग्रसनी पर बात करूं तो जिससे श्वास हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो इसका मतलब नासा ग्रसनी से श्वास जाए गी मुख ग्रसनी से भोजन जाएगा और यह है दोस्तों घाटी ढक्कन जिसको कहते हैं जो दोनों को अलग अलग करती है जो दोनों को अलग-अलग करती है क्लियर हो गई पहली बात गरस्ति, गरस्ति बात बात चलिए साथियों अपन अपन ने ने कह दिया मुख ग्रसनी ग्रसनी नासा और अधोग्रसनी कर ली अब बात करते याद रखना दोस्तों यहां पर इसको ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नाल या इसको ग्रसिका भी कह सकते हैं या इसको ग्रसिका भी कह सकते हैं सही सुन रहे हैं यहां पर ग्रसिका नली ग्रसिका ग्रास नली ग्रास नाल सब कुछ अब यहां पर ध्यान देना यह वक्ष गुहा से होती हुई

साथियों भोजन को लसलसा बनाने का काम कौन करती है श्लेष्मा ग्रंथि उसके साथ ही भोजन को क्रमाकुंचन गति भोजन को क्रमाकुंचन गति एंजाइम किसे कहते हैं एंजाइम मतलब जो पाचन रस होते हैं जो भोजन का विघटन करते हैं बिल्कुल पाचक रस जो भोजन का विघटन मतलब जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलने का काम एंजाइम करते हैं पहली बात ठीक है चलिए अब बात करते हैं यहां पर भोजन को गति प्रदान करना भोजन को लसलसा करना भोजन को गति प्रदान करना भोजन को गति प्रदान करना लंबाई कितनी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही सुन रहे तो ये अपन ने बात कर दी ग्रास तली के सीट्स पर उत्तकों पर एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लॉस्टिक कहते मैंने बता दिया जो मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी को पृथक पृथक करने का काम करती है चलिए साथियों फिर अपन ने कहा आमाशय की बात करते आमाशय जिसके तीन भाग होते हैं सही सुन रहे आमाशय जिसके तीन भाग होते हैं सबसे पहले होता है जठरागम भाग जिसको कार्डियक बोलते हैं पहला भाग होता है दोस्तों जठरागम भाग जिसके अंदर भोजन आएगा अगर जो भोजन जो आ रहा है जो भोजन ग्रसिका से आ रहा है जो भोजन ग्रसिका से आ रहा है वो आ रहा है जठरागम में जिसको कार्डियक भाग कहते हैं ये बाया भाग होता है जहां ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है बिल्कुल आमाशय में प्रवेश करती है ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है वो भाग कौन सा होता है जठरागम 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 यहां पर एक अवरोधिनी पाई जाती है यहां पर एक अवरोधिनी भी पाई जाती है जो भोजन को आने तो देगी पर वापस जाने

छोटी हाथ की ओर जाएगा जब छोटी हाथ की ओर जाएगा तो ये दाहिना छोटा भाग है दोस्तों जो छोटी आंत से खुलता है मतलब मतलब पर भी एक और दूसरी अवरोधि कहां पाई जाएगी दूसरी अवरोधिनी पाई जाएगी छोटी में दूसरी अवरोधिनी आएगी छोटी में और वो होगी दोस्तों जठर निर्गमी अवरोधिनी क्लियर हो गई बात यहां पर मैं इस बात को समझा दू यहां से भोजन आ रहा है क्रमाकुंचन गति हो रही है श्लेषमा श्रेषमा ग्रंथी जो है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो भोजन को पहुंचा रही है कहां पहुंचा रही है यहां पहुंचा रही है तो ये आमाशय में पहुंच गया आमाशय में आमाशय रस का मिलना मतलब एचसीएल उसमें हो जाता है भोजन अम्लीय हो जाता है भोजन को अम्लीय माहौल देना भोजन को अम्लीय माहौल देना भोजन को अम्लीय माहौल देना और यहां से जो है वो भोजन सीधा कहां पहुंचेगा दोस्तों छोटी आठ के अंदर क्लियर हो गई बात यहां पर तो ये वो भाग है जिसको कहेंगे फंडस ये वो भाग है फंडस तो यहां पर भोजन आ रहा है देखो यहां पर ये ग्रसनी से भोजन आया बिल्कुल यहां पर एक अवरोधी नहीं लगी है भोजन आ सकता है पर वापस नहीं जा सकता आ तो सकता है पर वापस नहीं जा सकता बिल्कुल नहीं जाएगा वापस नहीं जाएगा उसी प्रकार जब छोटी हाथ में जाएगा यहां पर भी अवरोध नहीं निकल गया बाहर तो वापस आमाशय में नहीं आएगा मतलब रिवर्स नहीं चलेगा बिल्कुल भी साथियों रिवर्स नहीं चलेगा तो

नेला भोजन को अम्लीय बनाया भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर दिया भोजन को अम्लीय बनाया भोजन को अम्लीय बनाया भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर डाला बिल्कुल साथियों भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर डाला अब यहां पर दो चीजें हो रही है यहां पर तीन चीजें हैं पेप्सिन रेनिन और स्लेष्मा पेप्सिन रेनिन और स्लेष्मा वापस सुन लो दोस्तों प प प प प प प ऐसे याद करो प प पा, क्लियर कर लो इसको प प को को पा मतलब हो गया पेप्सिन दूसरा प हो गया प्रोटीन और तीसरा प हो गया पाचन मतलब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा प प प मतलब पेप्सिन प मतलब प्रोटीन और प मतलब पाचन मतलब यहां पर अपन ने बात कर ली कि पेप्सिन किसका पाचन प्रोटीन का पाचन उसी प्रकार साथियों रेनिन रेनिन दूध का पाचन करता है सही सुन रहे हो रेनिन दूध का पाचन करता है रेनिन जो है वो दूध का पाचन करता है आमा से मैं रेनिन दूध का पाचन करता है भोजन को अमली बनाए श्लेषमा श्लेषमा जो है वो आमा को बचाता है ये रक्षात्मक आवरण है रक्षात्मक आवरण आमा की दीवार पर रक्षात्मक आवरण ताकि

में उपस्थित हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है एच हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है अर्थात एच अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में भी, भी मदद करता है तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना भोजन को पचाना ये काम यहां पर दोस्तों आमाशय में कौन करता है अम्ल कौन सा अम्ल एच अब यहां पर बात करते हैं छोटी आत भोजन छोटी आत के लिए निकल चुका है अब यहां पर यह तो था आमा से यहां पर भोजन आया कहां से आ रहा है ग्रसनी से आ रहा है किसी ने पूछा अवरोधिनी कहा है ये देखो ये अवरोधिनी बिल्कुल ठीक यहां पर वापस अवरोधिनी अब यहां से भोजन छोटी आत की ओर जा रहा है छोटी आत के दोस्तों कौन कौन से प्राप्त कौन कौन से प्रकार होते हैं पहला प्रकार होता है ड्यूडिनम दूसरा होता है जिजुनम और तीसरा होता है इलियम ये ऐसे तीन प्रकार होते हैं बिल्कुल छोटी आत के भी बिल्कुल साथियों छोटी आत के भी तीन भाग सर जठर रस का पीएच एच वन पॉइंट टू बिल्कुल सही छोटी आत तीन भागों में तीन भागों से मिलकर बना है पहला होता है दोस्तों ग्रहणी जो कि आकार का होता है पाचक व रस का एंजाइम कर मिलाने का काम करता है अग्रांत भोजन का पाचन व अवशोषण याद रखना दोस्तों हमारे भोजन के का काम कहा होता है छोटी का का छोटी तो पर वास्तव में बड़ी होती है कहा जाता है और उसी प्रकार भोजन के पाचन व अवशोषण का काम छोटी आंत में अब बात करूं यहां पर उससे पहले जब भोजन छोटी

पहला होता है कर्ण पूर्व पहला क्या होता है दोस्तों कर्ण पूर्व ग्रंथि कर्ण पूर्व ग्रंथि ये पहला दूसरा अधोजंभ और तीसरा अधोजीवा सबका अपना अपना काम होता है खैर हमारा काम और ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये यहां पर याद करने की आवश्यकता है कोई जरूरी नहीं है तीन जोड़ियां पढ़ो या ना पढ़ो पर ये जरूर पढ़ लेना लार में लार एमाइलेज लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन करता है यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है अर्थात स्टार्च का पाचन करता है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन भी हो रहा है और यहां पर कौन-कौन से एंजाइम है लार एमाइलेज और टाइलिन या टाइलिन दोनों एक ही है यहां पर अब यहां पर स्टार्च क्या होता है पॉलीसेकेराइड जो होता है वो छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में बदलता है ये अपन ने पढ़ लिया क्लियर हो गई बात यहां पर एक और बात बता दू आमा से में दोस्तों आमा से में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो एच का स्त्रावण करती है साथियों पेप्सिन का, का काम प्रोटीन का पाचन रेनिन का काम दूध का पाचन ये भी आपको बता दिया एक और बात बता देता तो हूं जबरदस्त प्रश्न है प्रश्न पूछा जाता है काइम किसे कहते हैं बिल्कुल सही सुन रहे कायम कायम किसे कहते हैं आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन आमाशय में जो जठर रस मिला हुआ भोजन होता है उसे कहा जाता है कायम बिल्कुल सही अब यहां पर बात कर दू अग्नियाशय की अग्निशय ग्रंथि छ से आठ इंच लंबी आकार की अब दो मैंने कहा था अग्निया से मिश्रित ग्रंथी है यह भी मैंने आपको बताया अग्निया से मिश्रित ग्रंथी है यह मैंने आपको बताया जिसमें हार्मोन होता है इंसुलिन अंत स्त्रावी हार्मोन होता है इंसुलिन और बहिस्त्रावी जो होता है वह होता है अग्निया से रस जिसको ग्लूकागोन कहते हैं तो साथियों है वो तो है इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, है, है तो तो मिश्रित ग्रंथि का दर्जा दिया क्योंकि वह तो अंत स्त्रावी भी है और बहिस्त्रावी भी है इसीलिए मैंने उसको दोनों चीजें बताई साथियों अब यहां पर इंसुलिन का काम क्या होता है शरीर में रक्त के रक्त मतलब रक्त सरकरा को नियंत्रित करना बिल्कुल सरकरा को करना, सरकरा को को नियंत्रित नियंत्रित करना, करना, रक्त में में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना यह अपन ने देखा जैसे कि दोस्तों प्रोटीन के पाचन के लिए यहां पर होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को बदलेगा पेप्टाइड पेप्टाइड जो है दोस्तों वो सरल अणु है प्रे, 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 यहां पर पेप्टाइड जो है वो क्या है दोस्तों सरल अणु याद रखना प्रोटीन जो है वो जटिल अणु है उसी प्रकार काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड बदलेगा कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो एमाइलेज होगा दोस्तों एमाइलेज स्टॉर्च को माल्टोज में बदलेगा वसा के पाचन के लिए लाइपेज जो होता है वो वसा के जटिल कण को सरल कर्ण बदल देगा और रस की बात कर दी माल्टोज जो जो है ग्लूकोज में बदलेगा कौन माल्टेज लेकटोज जो है दोस्तों ग्लूकोज में बदलेगा कौन बदलेगा सुक्रोज जो है दोस्तों सुक्रेज उसको ग्लूकोज में बदल देगा और वसा जो है उसको लाइपेज वसी अम्ल में बदल देगा ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन था क्लियर हो गई बात ये अग्निश्य पे बात कर ली ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का और लाइपिज जो है वसा का इस प्रकार प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन जो है वो मैंने आपको समझा दिया है यकृत दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखना दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है इस इसपे अपन ने बात कर ली सबसे बड़ी ग्रंथि है ये मैंने कह दिया किसका यहां पर निर्माण करती है दोस्तों पित्त का निर्माण करती है बिल्कुल साथियों पित्त का निर्माण करती है और यही पित्त साथियों यही पित्त जो है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है यही पित्त पित्ताशय में संग्रहित होगा और पित्ताशय क्या करेगा दोस्तों यहां पर ये पित्त क्या करेगा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलेगा सही सुन रहे हैं पित्त क्या करेगा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी यकृत जिसको लिवर भी कहते हैं जिसको क्या कहते हैं लिवर भी कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि किसका निर्माण करती है पित्त का निर्माण करती है पित्त क्या करता है अम्लीय भोजन को शार्य भोजन में बदलने का काम करता है और यही पित्त जाकर इकट्ठा होता है पित्ताशय में बात करूं बड़ी आंत की बड़ी आंत के भी दोस्तों तीन भाग होते हैं पर मैं आपको यह बता दूं कि बड़ी आंत जो है भोजन का अवशोषण करती है बिल्कुल भोजन का अवशोषण करती है दीर्घ रोम होते हैं जो भोजन का अवशोषण करती है और जो अपचित भोजन है जो अपचित भोजन है जिसको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ उससे

डिमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टो सरकरा में बदलने का काम करता है तो ये लार की भूमिका थी उसी प्रकार साथियों हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है यह प्रक्रम कहा होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 बिल्कुल साथियों उसी प्रकार मानव की आहार नाल का आहार नाल का नामांकित चित्र 2015 का प्रश्न ये वो चित्र था दोस्तों पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम आपको समझाना था ये वो यहां पर प्रश्न था क्लियर हो गई बातें

प्रयास करें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का